बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडिया सॉल्यूशन ऑफ जीडीपी स्टैट 406 के। उसकी आज ही लास्ट डेट है, तो मैंने सॉल्यूशन बनाया था, आइडिया सॉल्यूशन मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो उसमें हमें जीडीपी में क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि टू इक्वेशन है हमारे पास, ये रिग्रेशन इक्वेशन हैं, 30A + 238B प्लस 351C इज इक्वल टू 619, 52A प्लस 351B प्लस 582C इज इक्वल टू 1007। अभी हम इन इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं यहाँ पर। तो पहली इस इक्वेशन को हम इक्वेशन वन का नाम दे लेते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन टू का। अच्छा, फाइंड क्या करना है, सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड न्यू इक्वेशंस फ्री फ्रॉम बी। वो कह रहा है कि आपने ऐसी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कि उनमें ये बी जो है ये एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए, ये बी एलिमिनेट हो जाए। इट्स मीन हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन्हीं इक्वेशंस में पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस आएगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम इक्वेशंस का जो के ज़रिए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन को डिवाइड करते हैं 351 से। तो ये हमें जो इक्वेशन और उसके साथ हम इक्वेशन जो टू है उसको डिवाइड करते हैं 582 से। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस आएंगी, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, न्यू इक्वेशन हमारे पास 0.08A प्लस 0.67B प्लस सी, क्योंकि हमने सी तो कर दिया, इसको 351 से डिवाइड किया हुआ और इसको 582 से डिवाइड किया हुआ, इज इक्वल टू 1.76। एक यही इक्वेशन आ गई। और जब हम इक्वेशन टू को 582 से डिवाइड करेंगे तो जो वो हमारे पास इक्वेशन है कि 0.08A प्लस 0.60B प्लस सी इज इक्वल टू 1.73। यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 0.089 आएगा और इसमें 0.085 आएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.004, जो कि बहुत ही छोटा आंसर, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे आपस में, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये भी आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, और ये हमारे पास बचेगी 0.07B इज इक्वल टू 0.03। और यहाँ से हम जब बी की वैल्यू निकालेंगे, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.42 के। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अभी हमने इक्वेशंस फाइंड करनी थी जिनमें ये बी ना हो, तो हम बी की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी न्यू, पहली वाली इक्वेशन 30A प्लस 238B की जगह हम वैल्यू 0.42 पुट कर देंगे, प्लस 351C इज इक्वल टू 619। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 30A प्लस 351C इज इक्वल टू 519.04। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फ्री फ्रॉम बी के। एंड सेकंड इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन नंबर टू में भी बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 52A प्लस 351B की वैल्यू 0.42 प्लस 582C इज इक्वल टू 1007।
इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी फ्रॉम बी से 52a प्लस 5a2c इज इक्वल टू 859.6, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का सवाल। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।